हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक नया वीडियो आने वाला है और हम बनाने जा रहे हैं। आप जो XPS 30 में बैकअप किसी और भाई से लेते हो और अपने कीबोर्ड में सेव करते हो, तो आपको वो बैकअप या मेल के ज़रिए लेते हो, आपको कंप्यूटर वाले के पास जाना पड़ता है या कंप्यूटर में लगा कर करना पड़ता है बैकअप। अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि OTG जो ये वाली एक केबल होती है, OTG इसको जैक या मास्टर या कुछ भी बोलो, इसको लगाकर फ़ोन से ही आप बैकअप पेन ड्राइव में डालकर लोड कर सकते हो। ये मैं बताने जा रहा हूँ आप। इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, हर किसी को पता चले कि ये काम आसान है मगर देखने में मुश्किल लगता है। आपको समझाने जा रहा हूँ, आप लाइक करो, कमेंट करो हमारे वीडियो पर, आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, इस पेन ड्राइव को आपने कीबोर्ड में फॉर्मेट करना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये पेन ड्राइव वाली जगह पे हमने इसको पेन ड्राइव को फिक्स करना है, मेन्यू प्रेस करना है और आपने जाना है कर्सर से यूटिलिटी एंटर, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट USB मेमोरी, इसको फॉर्मेट कर लेना है आपने। फॉर्मेट करने के बाद कुछ फोल्डर इसमें बन जाएंगे और उसमें से जो फोल्डर आपको बताऊंगा मैं फ़ोन पर लगाकर कि किस फोल्डर में आपने बैकअप को रखना है। प्यूस कर रहा हूँ थोड़ा, क्यों आपका टाइम। दोस्तों, अगर आपका पेन ड्राइव में कोई ज़रूरी डाटा पड़ा हुआ है या बैकअप पड़े हुए हैं, जब आप कीबोर्ड में इसको फॉर्मेट करोगे तो वो सारा रिमूव हो जाएगा, इसलिए आप वो पेन ड्राइव में पहले कोई ऐसी आपकी ज़रूरी जो है वो ना रखें। और ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है, इसके बाद हम यहाँ से उतार लेंगे पेन ड्राइव और फिर मोबाइल के साथ अटैच करेंगे। दोस्तों, ये पेन ड्राइव हम मोबाइल के साथ अटैच करेंगे, पहले इसकी सेटिंग खोलेंगे मोबाइल की। सेटिंग में जाकर यहाँ मोर सेटिंग आ जाएगा, मेरे मोबाइल में मोर सेटिंग आता है और कोई कोई ऐसे मोबाइल भी होते हैं जिसमें सीधी ही अटैच हो जाती है, और इसमें OTG ऑन करना है, ये ऑफ मिलेगा आपको, आपने ऑन कर देना है। और इसके बाद जो पेन ड्राइव के साथ ये जैक है उसको अटैच करना है और अपने फ़ोन के साथ ये अटैच करना है। फ़ोन के साथ अटैच होने के बाद ये अपने आप पेन ड्राइव को उठा लेगा और इसको पेन ड्राइव को खोल लेना है। यहाँ जो रोलैंड फोल्डर आपको दिख रहा है, अगर आपने इसमें लूप डालने हैं तो सॉन्ग लिस्ट में यहाँ फोल्डर बनाकर आप यहाँ लूप रख सकते हो। अगर आपने कोई बैकअप करना है XPS बैकअप, यहाँ पर आपने वो फाइल को पेस्ट करना है जो आपके पास पहले मोबाइल में कोई फाइल पड़ी होगी। मेरे पास ऐसे ही बैकअप पड़े हुए हैं, ऐसे ये बैकअप है, ये वाली फाइलें हैं सभी मेरे पास, जैसे ये कोई भी फाइल है XPS 30 की, इसमें से कुछ भी मैं एक को मार्क कर लूँगा। जैसे आपने इसमें एक फाइल ये है मेरे पास, और इसमें एक बिन फाइल होती है, एक होती है SVD फाइल, वो फाइलें आपको दोनों रखनी होगी। अभी मेरे पास वो SVD फाइलें हैं, सभी दो फाइलें होंगी आपके पास, उनको यहाँ से कॉपी करके और पेन ड्राइव में जाकर यहाँ जो हमने ये खोला था रोलैंड फोल्डर XPS बैकअप, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और ये पेन ड्राइव से आपने मोबाइल से ये पेन ड्राइव अलग कर लेनी है। इसके पेन ड्राइव आपने कीबोर्ड में लगाना है
इसके बाद आप मेन्यू को प्रेस करना है और यूटिलिटी में जाकर एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये आपके साथ पास आएगा रिस्टोर, रिस्टोर को एंटर करना है। इसके बाद ये फाइल अपनी यहाँ पर पड़ी है, इसको फिर से एंटर कर देना है और आपका जो डाटा होगा नई फाइल का या नया बैकअप किसी से लिया होगा वो इसमें कीबोर्ड में लोड होने लगेगा और बाद में आपको कीबोर्ड बोलेगा कि इसको एक बार शट डाउन कर दो। कीबोर्ड ऑफ करके ऑन करोगे तो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें चल जाएंगे।